हैं। और दूसरी शादी जो मेरी हुई थी वो हुई थी 2018 में, जो कि बहुत ही बड़े मुखौटों के साथ हुई थी ये शादी मेरी। आपकी जो जान और शान, आपके ही हाजी भाई जान जो आप बोलते हो, उनके साथ मेरी शादी हुई थी 2018 में। तो चलो इसकी स्टोरी पूरी मैं आपको भी बताती हूँ। तो जी हाँ, ये बंदा जो था बहुत ही लड़खड़ाया, गिड़गिड़ाया, परेशान हो गया था शादी करने के लिए। उसने क्या नहीं किया मेरे मेरे लिए, मतलब मेरे लिए यानी कि खुद का कुछ मुझे दिया नहीं बाबा। मेरा ही जो जितना भी प्रॉपर्टी था ना, उसने बोला कि ठीक है ये प्रॉपर्टी मैं आपको मैं भी कभी कोई हिस्सादारी या कुछ भी ऐसा कुछ करूँगा नहीं। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और हम यही बात से मेरे मम्मी डैडी, मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले, मेरे खानदान वाले डरते थे कि ये लोग अलग टाइप के थोड़े, मतलब गुंडागर्दी, और उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हुई है, काफ़ी सारे केसेस वगैरह है, तो ये गुंडागिरी में ज़्यादा है, तो क्यों तू इससे शादी करना चाहती है। तो मैं बोली नहीं, ये बहुत अच्छा बंदा है, कुछ गुंडा नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब प्यार का मुखौटा जो मेरे पे चढ़ा था। तो मैंने मम्मी डैडी को मतलब बहुत लड़ी झगड़ी, तो उसके बाद चलो ये बात हुई हमारी तय कि ये प्रॉपर्टी जितनी भी है मेरी, ये खुद मुझे लिख के देगा कि तेरी प्रॉपर्टी में, यानी कि मेरी प्रॉपर्टी में इसका कोई हकदार नहीं रहेगा, ये फ्यूचर वाइज, जो कि पहले पार्ट में मैंने बता दिया, पहले पार्ट में देखना, वो पेपर भी मैंने बताया है। फिर चलो ठीक है, हमारी शादी हो गई। तो मेरे मम्मी डैडी ने, शादी होने के पहले की बात, सॉरी पहले ही दिन, मतलब शादी तो दूसरे दिन हुई, पहले दिन ये सब बात हो रही थी। ठीक है, तो आप तो कुछ कमाते नहीं हो, तो आप क्या मेरी बेटी को दोगे? मेरी बेटी का खर्चा ही महीने का 1-1.5 लाख रुपए, ऐसा करके मेरे मम्मी और डैडी ने बोला था। और माशाल्लाह से मुझे मेरा पूरा जितने भी मेरी प्रॉपर्टी है उसका रेंट ही माशाल्लाह से 5-6 लाख आता है। तो बोले तू क्या देगा? चल वो तो आता ही आता है, लेकिन एक हस्बैंड भी तो कुछ देना चाहिए ना। तो उसने बोला ठीक है, मेरी तो इतनी बड़ी औकात नहीं है कि मैं तुम्हारी बेटी को कुछ 30-40 हज़ार या 50 हज़ार दूँ, लेकिन हाँ मैं 10 हज़ार आपकी बेटी को हर महीना दूंगा। तो मेरे मेरे डैडी ने बोले 10 हज़ार ही देगा? तो ये बोला हाँ, मेरी 10 हज़ार की कैपेसिटी है, मैं 10 ही दूंगा। तो चलो 10 ही 10, 10 में ही उन्होंने बोला चल जान दे, एक इंसान ऐसा है बेचारा, चल कोशिश कर रहा है, कोशिश करते करते ऑटोमेटिकली एक हाई क्लास सोसाइटी में रहेगा तो अच्छा बन जाएगा, और फिर वो उसके हिसाब से जब मेंटेनेंस डेली कर देखेगा तो फिर वो तेरे को भी मेंटेन करने लगेगा, देने लगेगा, थोड़ी ना तेरा खाएगा, जैसे मेरे मम्मी और डैडी ने बोला था। और फिर बाद में चलो फिर हमारी शादी हो गई 2018 में 19 जुलाई को। कभी शादी हुई? 19 जुलाई को 2018 में शादी हो गई। जब शादी हो गई, 2-3 दिन जैसे नहीं हुए, ये मुझे कंटिन्यू कोई बात नहीं कुछ नहीं, मुझे मारने लगा, कोई बात नहीं रहती, पता नहीं इसको क्या फिरकी चढ़ती है इसके सर में, दिमाग में, ये एक पागल किस्म का इंसान है। ऑटोमेटिकली कोई बात नहीं कुछ नहीं, सीधा उठता है मारता है, सीधा उठता है मारता है। हाँ फिर बाद में अचानक से मुझे बोलने लगा कि तेरे माँ बाप घर में नहीं आना चाहिए, कुरान की कसम का कुरान तेरे सर पे रख, कुरान निकाल, कुरान शरीफ निकाल के मेरे सर पे रखवा दिया, और बोलता जल्दी कसम खा कुरान की कि तू मम्मी डैडी को घर में नहीं लेगी, सबको भगा। मेरी एक मेरी बड़ी बहन की बेटी है जो प्रेग्नेंट थी, जिसकी जिम्मेदारी मैंने ली थी कि उसका सत्वासा और उसकी डिलीवरी मेरे घर पे होगी, तो वो मेरे घर पे आई थी तभी ही, जब भी मेरी शादी हुई थी, उसके पहले से वो रह रही थी, लेकिन ये तो घर जवाई बन के बाद में आया, 3 दिन हुआ था इसको घर जवाई बन के, तो ये घर जवाई बन के 3 दिन में अपने हुक्म के पत्ते ऐसे फेंकने लगा जैसे कि पूछने की बात नहीं है। तो मेरी जो मेरी बहन की बेटी जो थी, तो वो जब मुझे मार रहे थे तो उन्होंने बोला अरे भाईजान क्यों मार रहे हो, मत मारो मत मारो, तो उसको बोल धक्का दे दिया, और उसको बोलता है ए, और बैड वर्ड्स दिया उसको गंदे गंदे, मुझे तो दे रहा ही था। इतनी बड़ी सोसाइटी में हम रहते हैं जहाँ पर सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर और लॉयर और अलग अलग लोग रहते हैं, इतनी बड़ी सोसाइटी में हम रहते हैं, वहाँ पर ये बंदा जो कि झोपड़पट्टी से आया हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ गाली ही बक रहा था, बकरे लोग की तरह सिर्फ गाली ही बक रहा था। बकरा कैसे मैं करते हैं, वो तो बेचारे गाली भी नहीं देते, लेकिन कंटिन्यू ये मैं के, मतलब मैं के तरीके से इसकी इस तरीके से गाली निकल रही थी कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। और मेरी जो कज़न थी उसको बोलते हैं बाहर निकाल, वो पेट से इतना बड़ा पेट लेके, उसको मेरे को रिक्वेस्ट करना पड़ा बहन, वो कंटिन्यू मुझे मारते जा रहा था। तो मैंने बोला कि काम कर बहन, तू थोड़े टाइम के लिए, आधे घंटे के लिए तू सीढ़ी पे बैठ जा। बोलो मेरे घर वाले लोगों को, मेरे को बाहर बिठाना पड़ा, मेरे घर वाले लोग को मेरे घर में लेने नहीं देता है, बोलता ये मत कर वो मत कर। मैंने उसके रहते हुए कभी कुछ नहीं किया, बल्कि वो नहीं भी मेरी ज़िंदगी में था, जो मेरे पहले हस्बैंड थे, एक्स हस्बैंड थे, तो भी मेरी ज़िंदगी में मैंने कुछ नहीं किया था। ये मुझे आया मेरी ज़िंदगी में, ये कहाँ से मेरे ज़िंदगी में एक ऐसी पनौती आई जो कि 2018 से लेके 2023 आज हो चुका है, ये पनौती मेरे ज़िंदगी से हट रहा ही नहीं है। और तो और
इतना परेशान मुझे किया, इतना परेशान किया, इतना मारा, इतना पीटा, इतना गाली, इतना गलौज, मतलब क्या इसने मेरे साथ नहीं किया। चलो ठीक है, सब हो गया। फिर बाद में इसकी शादी पे बात आई। भाई शादी कितनी हुई है? एक शादी हुई थी, एक शादी हुई थी, और वो शादी से मुझे एक लड़की है। कौन वो लड़की? वो जन्नत। वो जन्नत बोल के कोई है ना, जो उन लोग के ही साथ रहती है। तो वो बोलता है मेरी बेटी है, और वो बेटी कितने साल की पता नहीं, 17 के 18 साल की है। तो मुझे बोलने लगा, देखो सोशल मीडिया पे आप उनको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने सबको तो बोल चुका हूँ, और मेरी फैमिली मेंबर पे तो पता है कि मेरी बेटी है, तो मैं कैसे बोलूँ मेरी बेटी नहीं है। तो मैंने, चलो कोई बात नहीं, सोशल मीडिया थोड़ी ना उनको खिलाने आती है, कुछ करने आती है, सोशल मीडिया पे तो आप उन्हें पहले से ही बताया है कि अपने ये 4 बच्चे, चलो इसको भी बता देंगे। तो अचानक से टिकटॉक, जब टिकटॉक की ज़माना चलता था, तो टिकटॉक पे हमने बोलने लगे कि हाँ हमारी मतलब 3 बच्चे हैं, 2 तो अभी हुए, एजल और रिजा, ये नहीं थे तभी टिकटॉक के, ये नहीं थे। ये पहलू भी बताऊंगी, ये भी बताऊंगी, ये अब्बास इंसिया मुझे थे, और अचानक से बड़ी वाली जो लड़की है जन्नत, ये इसकी पहली औरत की बेटी है, जो कि पहली औरत जो थी इसकी हिंदू थी, और वो बिचारी कन्वर्ट हुई मुस्लिम में। हाँ बिचारी इतनी अच्छी कन्वर्ट हुई, सब कुछ करी, और उसके बाद फिर क्या हुआ बोलते हैं, उसको भी खूब मारने लगा, उसको भी गालियाँ देने लगा, फिर प्रेग्नेंट कर दिया उसको, प्रेग्नेंट करके बच्चा पैदा कर लिया, फिर 3 महीने की बच्ची वो छोड़ के बिचारी भागने लगी, वो भी भाग गई, अरे साला वो भी भाग गई, अरे बोले ये क्या सीन हो रहा है, ये भाग रही वो भाग रही। फिर बोलते दूसरी शादी हुई, फिर बोलते तीसरी शादी हुई, फिर बोलते हैं ना इसका मीरा रोड वाली का तीसरी शादी थी कि चौथी शादी थी, वो मीरा रोड वाली से मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसकी टोटल शादी 5वीं मेरे साथ ऐसा ऑफिशियली सब लोग बोलते, मतलब उस जो मार्केट में हुआ है वो 5वीं शादी बोल रहे हैं, और मुझे तो पता नहीं, अभी तक सच में नहीं पता इसकी कितनी है, 5वीं है, 6ठी है, 7वीं है कि 8वीं, मुझे सच में नहीं पता कितनी है। लेकिन एक इनकी शादी सिर्फ और सिर्फ 11 या 12 महीना टिकी, किसकी? चौथी वाली शादी, जो मीरा रोड में जो लड़की औरत रहती है, जिसको मैंने अभी छोड़ा है, और इसने मेरे पे केस कर दी, और ये ना बार में डांस करती थी, सबको यही बोलता है बार वाली है, जिसको भी छोड़ता ना ये बार वाली है, बार में डांस करती है, इसके बदन में से बहुत गंदी बास आती थी, और ये बच्चे लोग को ध्यान नहीं देती थी, बच्चे लोग को खाना नहीं खिलाती थी। जो ये पहली औरत को छोड़ा ना, ये जन्नत की माँ को, इसके बारे में भी मेरे को क्या बोला, जन्नत की माँ के आंग में से बहुत गंदी बास आती थी, और वो है ना वो भी बोले पहले बार में काम करती थी साली, मैंने उसको उधर से लेके आया था, अच्छी बनाया, घरूली बनाया, लेकिन वो सुधरी नहीं, उसके बार का जो जज्बा था वो गया नहीं, तो क्या किया मैंने, उसको छोड़ दिया और बच्ची मैंने ले लिया, फिर से वो साली बोले गू का खिड़क गू में गया, और वो फिर से बार में जाके नाचने लग गई। तो फिर से अभी फाइनली अभी बार में डांस करती है, ये किसका कहना है? ये आपके हाजी भाईजान का कहना है कि वो अभी बार में डांस करती है, लेकिन अल्लाह जाने वो बार में डांस करती या नहीं करती, लेकिन हमको उससे क्या। ये मतलब सब औरत लोगों के छवि, जैसे अच्छी औरत को मिलता है ना, तो ये वाली औरत के बारे में छवि ऐसी दिखाता है, बार वाली कैटेगरी, मतलब लो कैटेगरी की दिखाने लगता है सब औरत लोगों को। तो मुझे भी पहली औरत के बारे में ये बोला, दूसरी औरत के बारे में भी ये बोला, तीसरी जो है ये तीसरी तो बोलते क्या मन भाग गई कर गई क्या उन क्या है, मैं पूछती थी तो बोलती थी नहीं ऐसा नहीं है, और एक ने तो कोई तो थी वो रेप केस की थी, वो उसके भी पेपर मेरे पास है, वो भी मैं दिखाऊंगी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर बॉडी अफेंस है, औरत लोगों के ही खाली, औरत लोगों के ही केसेस है इसके, बहुत सारे ऐसी चीज़ें कि खाली औरत लोगों का ही मैटर है, औरत लोगों को मारना, तोड़ना, फंसाना, अपने जाल में फंसाना, पैसे वाले लोग को लूटना, फंसाना, इसके यही मैटर है। फिर भी ये सब मतलब मुझे बाद में पता चला, तो भी मैं बोली चल जान दे छोड़, इसका पासपोर्ट इसके पास कभी नहीं था। मैंने बोला चल कितना पैसा लगेगा तेरे पासपोर्ट के लिए, मैंने इसके पासपोर्ट के लिए एक मेरे खुद के भाई इकबाल भाई बोल के, वो चाहे तो मैं आपको उनको भी साथ में ले लूँगी, इकबाल भाई बोल के जो कि पासपोर्ट का काम करते हैं बेचारे, जिसका पासपोर्ट फंस जाता है या जो भी हो जाता है, बड़े बड़े लॉयर के थ्रू वो निकाल के देते हैं। तो मैंने 5 लाख रुपये वहाँ पर भी लगाया कि भाई तेरा पासपोर्ट निकलेगा तो तू मेरे साथ चल, मेरे को तो कहीं जाने देता नहीं है और खुद भी कहीं नहीं जाता है, तो मेरे साथ तू चलेगा ऐसा होएगा। तो पासपोर्ट भी इसका अटका हुआ है, क्योंकि इसके इतने सारे केस है ना, इतने सारे केस के मारे इसका पासपोर्ट अटका हुआ है। सोचो इतना अच्छा तुम्हारा हाजी भाईजान, जो कि सब लोग सोचते थे कि यार हमारा मर्द कैसा हो, हाजी भाई जैसा हो, ऐसा मर्द किसका नहीं हो भाई। वो तो मेरा दिखावा था, ये एक सोशल मीडिया की दिखाई की जिंदगी ने मैंने दिखाया, भाई जान दो मेरे को नहीं दिखाना सोशल मीडिया की जिंदगी, मैं ऐसी जीलूंगी, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास बहुत कुछ है, मैं इतने में बहुत कुछ जी सकती हूँ, मेरे को दिखावे वाली जिंदगी दिखा के आप लोगों को कुत्ते की तरह मार खा के नहीं रहना, बिल्कुल नहीं रहना है मुझे। और तो बहुत कुछ है,
मेरे पासपोर्ट थे सात सात, कितने थे, सात सात पासपोर्ट बनने का मतलब ये है सात पासपोर्ट, यानी कि मैं ना हर वीक में 2 बार जाती थी, चाहे वो दुबई हो या बैरिन हो या फिर पेरिस हो या लंदन हो या अमेरिका हो, मेरे पास सारे वीजा थे। ये बंदे ने क्या किया था, जलन के मारे इतना सारा मेरा पासपोर्ट था, ये पूरा चूरा चूरा करके, MD वगैरह लेता था ना ये, तो पूरा चूरा चूरा करके इसने क्या किया, ऐसा करके मेरे ऊपर आके ऐसा उछाला, मैं नहीं जाऊंगा तो तू भी नहीं जाएगी करके मेरा पासपोर्ट फाड़ा इसने मेरे पे। इतना 7 साल जुलुम किया कि मैं आपको क्या बताऊं। आज मेरे को बताने पे उसने मजबूर किया, मैं कुछ नहीं बता रही थी, मेरे को नहीं बताना था, मुझे नहीं करना था, मेरे को क्यों बताना पड़ा, इसने मुझे मजबूर किया है हर चीजों से, ये मुझे मजबूर किया करके आज मैं आ गई अपनी सारी कहानी बताने के लिए। ठीक है, ये मेरा पूरा पासपोर्ट फाड़ दिया, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर, मेरे सारे वीजा लगे हुए थे, अमेरिका का वीजा था मेरा, लंदन का वीजा था मेरा, पैर सारे जगह के वीजे थे, अलग अलग कंट्री के वीजा थे, इसने फाड़ दिया, बोले मैं नहीं जाऊंगा तो तू भी क्यों जाएगी करके फाड़ दिया। चल जान दे, फाड़ दिया, कोई बात नहीं, फाड़ दिया तो फाड़ दिया। यहाँ तक के मेरे घर में कैमरे लगा के रखा था, बच्चे लोगों के लिए तो चल चलो ठीक है, लेकिन कैमरे में मुझे कैद करके रखा था, मैं कहाँ निकलूँ तो मुझे देखने के लिए, मेरा पीछा करने के लिए। इतना शातिर आदमी था ये कि मुझे हर तरफ से ये ना, मतलब मुझे एकदम कैद करके रखा था, और इतने कैमरे मेरे घर पर, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखो यहाँ पर एक कैमरा है, यहाँ पर एक कैमरा है, दो कैमरा यहाँ हो गए, ये तीसरा कैमरा, और ये रहा ये चौथा कैमरा, और चौथा, और ये बेडरूम में भी है, बेडरूम में भी है, देखो वो जो लाइट जल रही है ना ये वाला, और वो वाले बेडरूम में भी है, और ये देखो ये भी एक कैमरा है दूसरे वाले बेडरूम में, और बाहर भी है, ये देखो कम है कैमरा भी छुप रहा है, ये रहा, ये देखो